नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्स इन्फोटेक में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती हैं मैं आप सभी के लिए लेके आते रहता हूँ। जिसमें तो कुछ होती हैं ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ होती है SHA यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कुछ इस टाइप से ई डिस्ट्रिक्ट संबंधित वगैरह, इस टाइप से मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरे व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जितना भी आप वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो कृपया कर थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप सभी को पूरा समझ में आए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधी वीडियो देख के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए पहले पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, तो मैं आप सभी का आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। जितने भी मुझे अभी तक कमेंट आते हैं तो मैं आप सभी को वो सबसे पहले बताता हूँ। जो आज की वीडियो है वो है UDAS के सिलसिले में। UDAS जो है, जो UDIS होता है, ये होता है 11 नंबर का, ये होता है जिसका मतलब होता है स्कूल DISE कोड, मींस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली होता है। इसके द्वारा विद्यालय की पहचान होती है, जिसे विकासखंड, स्कूल तथा जिला स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना होता है और इसको पहचाना जाता है। तो UDISE में आपको जो स्कूल की पूरी डिटेल देनी होती है, कितने आपके वहाँ छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, वो सभी आपको डिटेल देनी होती है। अगर आपने वो फॉर्म फिल कर दिया है, फिल करने के बाद आपके सामने आता है उसको वेरीफाई करने, सर्टिफाई करने के लिए वो बोलता है। UDIS का जो आपने सर्टिफिकेशन करना है वो कैसे करना है, आज मैं आपको वही वीडियो बताऊँगा कि कैसे आपने अपना UDIS सर्टिफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली मेरी हर एक वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। आपने सबसे पहले जो है UDISE प्लस सर्च करना है गूगल क्रोम पर। तो उसके बाद जो आपके सामने एक से पहले यहाँ पर लॉगिन आपके सामने है और लॉगिन फॉर अदर स्टेट है, तो आपने लॉगिन फॉर अदर स्टेट पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन फॉर अदर स्टेट पर आपने क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर आपने यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड आपने एंटर करना है। तो चलिए मैं फटाक से इसको एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर जो कैप्चा आता है, कैप्चा को यहाँ से फिल कर लेना है। यहाँ पर आपने कैप्चा पर क्लिक करना है, कैप्चा को आपने पूरा जैसा है वैसा ही आपने इसको भर लेना है। ये यहाँ पर से आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आपके सामने आपका जो प्रोफाइल होती है वो ओपन हो जाती है। आपकी प्रोफाइल पे आपको रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक कर देगा। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर आपका वेलकम दिखाया गया है, आपका नाम जो भी प्रिंसिपल है और आपकी लॉगिन IP मोबाइल नंबर वगैरह सब यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखने के बाद आपने जो है DCF आपने फिल करना है। आप अगर इसको फिल कर चुके हैं तो आपने यहाँ से आपने अपने को सर्टिफाई करना है। सर्टिफाई करने के लिए आपने क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है तो टाइम लगा रहा है। जैसे ये खुल के आता है तो आपके सामने इम्पोर्टेंट नोट आता है, वी बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग डाटा DCF would be as per the blue criteria only. School name, school category, lowest class and highest class, school management. If any discrepancy found, please reach out to your respective block MIS form
फॉर द करेक्शन। आपने ये स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, आपने स्कूल मैनेजमेंट सब इसमें अपलोड करना है। अगर आप पहले से अपलोड कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर से जो है अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल पर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने जो है अभी ये सर्टिफिकेट हमने सक्सेसफुली डन कर लिया था, तो अगर आपका नहीं हुआ है तो स्टेटस पे आपका नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर सर्टिफाई करने के लिए आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ साइड से देख सकते हैं कि सब कंप्लीट हो चुके हैं, क्लासरूम, फिज़िकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है। उसके बाद से आपने यहाँ पर क्या करना है, अगर आप डाउनलोड फुल DC आप डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं, स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। हमको करना है सर्टिफाइड करने के लिए आपने यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा हुआ आ रखा है। इससे पहले यहाँ पर नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ आया था, तो आपने क्या इस पर क्लिक करना है, कंपैरिजन एंड सर्टिफिकेट डाटा। तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपने प्रधानाचार्य का जो है नाम डालना है, पद कौन सा है, प्रधानाचार्य हैं या अदर टीचर हैं वो डालना है। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर डाल के अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई जैसे करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे तो सर्टिफाइड वो हो जाता है। सर्टिफाइड होने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, थैंक यू स्कूल डाटा हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद से आप यहाँ से डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके आप अपने पास रख लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको बेटर समझ में आता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।